इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला तो क्या हुआ था बिहार में जी? कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था। ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक लेते थे। तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था। और जब हम लोगों को मौका मिला, और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है? अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है, और कितना काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे 13 के बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं, और कहां महिलाएं पढ़ती थी? 5वें क्लास के बाद आज क्या है, अब मैट्रिक तक लड़का लड़की दोनों बराबर। और कितना काम हम लोगों ने किया, हमने इनको मौका दिया एक बार, और हाँ दिया है, दो बार दिया है। जब 5 में हमने किया, ये 7 में थे, और जो कुछ भी हमने तय किया सारे काम कि हमको क्या करना है 5 से 10, ये पूरी की पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया, और कितना आगे बढ़े। और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा, लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की तो आप लोग भी आए, तो कोई इधर उधर किया? 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए, और पहले गड़बड़ नहीं किए। और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ, और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया, और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे, हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं,
तो सभी छह पार्टी को हमने एक पार्टी को एक किया, हमने कहा कि उनके साथ दो दीजिए और बाकी कांग्रेस को दो ही दिए। हमने कहा नहीं, दो से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को, बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम के जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको, उनको हमसे तकलीफ था। और हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए, जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो।